अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक ए एंड ट्रू स्टोरी। वाइट शार्क और बहुत से शार्क के बारे में मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अकेली शार्क की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि शार्क और नमकीन मगरमच्छ की अगर लड़ाई हो तो इन दोनों में से जीत कौन सकता है, कौन ज़्यादा ताकत रखता है, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और ये सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकेगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सफेद शार्क को दरअसल सफेद पॉइंटर भी कहा जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क सियारे की सबसे बड़ी शार्क समझी जाती है और ये सबसे बड़ी शिकारी मछली भी समझी जाती है, और ये नीले भूरे रंग की होती है। इस शार्क के तेज नोकदार दांत होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। नमकीन मगरमच्छ जमीन पर सबसे बड़े जिंदा रेंगने वाले जानवर हैं। इनका एक बड़ा सर होता है जिसमें छालों का एक जोड़ा भी होता है जो थोथनी के मरकज के साथ साथ आँखों से निकलता है। नमकीन मगरमच्छ हल्के स्याह रंग के होते हैं। मुकम्मल तौर पर बड़ी हुई शार्क का वजन 1500 से 4000 पाउंड के दरमियान हो सकता है, तहम कुछ के तो 5000 पाउंड तक पहुंचने के भी रिकॉर्ड मौजूद हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क 15 फुट की लंबाई तक बढ़ सकती है, तो नमकीन मगरमच्छ की लंबाई 17 फुट तक बढ़ सकती है और इसका वजन 1000 पाउंड तक होता है। लेकिन ये एक मामूली सा वजन है क्योंकि ये बहुत कम नमकीन मगरमच्छ देखने में आते हैं जिनका इतना कम वज़न हो। अमूमन तो इनका वज़न 2000 या 2000 से ज़्यादा पाउंड तक होता है, और कुछ की लंबाई भी 23 फुट से ज़्यादा तक की हो सकती है। इनकी लड़ाई में बुनियादी तौर पर दोनों के दांत शामिल होते हैं, यानी इनकी जो बुनियाद है लड़ाई की वो दांतों से शुरू होती है। व्हाइट शार्क के तकरीबन 5 कितारों में 3000 दांत होते हैं, जहाँ पहली 2 कितारें शिकार को पकड़ने और काटने के लिए होती हैं। वो एक टाइम में तकरीबन 20 से 30 पाउंड गोश्त खा सकती हैं, और इनके काटने की ताकत 1 टन फी मुरब्बा इंच है, तकरीबन 4000 पाउंड PSI, जो कि इंसान के काटने से 20 गुना ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ नमकीन मगरमच्छ के 66 दांत होते हैं, जिनके ऊपरी जबड़े के हर तरफ 18 और निचले जबड़े के हर तरफ 15 होते हैं। अगरचे शार्क के मुकाबले में इनकी तादाद में तो कमी है, लेकिन इनकी ताकत को कम नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि इनकी ताकत वाइट ग्रेट शार्क से भी ज़्यादा होती है। नमकीन मगरमच्छ दांतों का दबाव 35 लाख पाउंड फी मुरब्बा इंच तक हासिल कर सकता है, और ये सबसे ज़्यादा काटने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर वाइट शार्क नमकीन मगरमच्छ को पहले देख लेती है और वो पहले हमला करती है तो उसके जीतने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन अगर मगरमच्छ वाइट शार्क को पहले देख ले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि मगरमच्छ उसको ज़िंदा छोड़ दे। यानी अगर हम इन दोनों का मुवाजना करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले वाइट शार्क देखती है तो वो जीत सकती है, अगर पहले मगरमच्छ वाइट शार्क को देखता है तो मगरमच्छ जीत सकता है। लेकिन अगर इन दोनों की ताकत की बात करें, दांतों की बात, यानी क्योंकि इनकी तो बुनियादी लड़ाई दांतों से शुरू होती है, दांतों की बात करें तो तादाद में तो वाइट शार्क के ज़्यादा हैं, लेकिन ताकत में नमकीन मगरमच्छ के ज़्यादा हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग और छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर भी मैं रोज़ की अपडेट डालती रहती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।